दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा सफ़र है, गांव के रास्ते से निकलना है और सीधे कप्तानगंज। ये हमारा साइकिल से यात्रा कितना दूरी में तय होगा, इस पूरे वीडियो में आप लोग को यही दिखलाना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अपना जो है सफ़र है साइकिल से स्टार्ट करते हैं और गाँव के रास्ते से होते हुए गाँव की खूबसूरती दिखाते हुए चलेंगे आप लोगों को सीधे कप्तानगंज। ये ट्रिप सिर्फ आपके लिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए आगे का सफ़र दिखलाते हैं। तो गांव के रास्ते से हम निकल चुके हैं और इधर गांव का रास्ता है, जो कि गांव में घर भी दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसी रास्ते से निकलना है हमको सीधे। और इन रास्ते पे सबसे ज़्यादा हरे भरे खेत पेड़ पौधे मिलेंगे देखने के लिए। तो गांव के रास्ते से अभी निकलना है। यहाँ पर देख सकते हैं खेत, गाँव में सबसे ज़्यादा खेत देखने को मिलता है। और यहाँ से जो सफ़र आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सबसे बड़ा इधर एक और तालाब है, जो कि तालाब काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। ये मंदिर है शिव मंदिर, जो कि मैं अपने वीडियो में इसको दिखलाया हूँ। काफ़ी अच्छा शिव मंदिर है, ये देख सकते हैं यहाँ से। और एक गाँव का रास्ता, इसी रास्ते में भी आप लोगों को बगीचा भी देखने को मिल सकता है। गांव का ये खूबसूरत पतला रास्ता, जो कि एक रास्ता इधर है जाने के लिए, कच्ची सड़क है, और ये है पक्की सड़क, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इन्हीं रास्ते से बहुत से लोग अभी सफ़र करते हैं, जो कि देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत रहता है। इधर का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है। आगे इन रास्ते में बगीचा भी है, जो बगीचा आप लोग देख सकते हैं, अभी आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। और इन रास्तों से चलना काफ़ी अच्छा होता है, और जो कि रास्ते में सबसे ज़्यादातर इधर पेड़ पौधे, सागवान के पेड़, ये लीची के बगीचे, ये सब जो है हरा भरा हो गया है। लीची का बगीचा काफ़ी बड़ा बगीचा है, और आम का भी पेड़ है रास्ते में। बाकी सब इधर जंगल तो देख ही सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा भी है। और ये जो जंगल है, बहुत बड़ा है जंगल, जो कि इधर पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। इधर झोपड़ी वाले कई जगह घर भी हैं, देख सकते हैं यहाँ से रास्ता भी है, ये रास्ता इधर जाने की। तो अभी हम जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं। गाँव में जो है बड़ा सा जंगल है बगीचा की तरह, लेकिन बहुत बड़ा बगीचा इधर। तो आगे निकलते हैं, आगे का जो हमारा सीन है अभी आगे दिखलाते हैं। आगे निकलने के बाद यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, जो कि यहाँ पर एक तालाब भी है, देख सकते हैं। और इस तालाब में मछलियाँ भी रहती हैं काफ़ी अच्छी। और ये जो देख सकते हैं, इधर ज़्यादातर लोग आते हैं काम करने के लिए, जो कि गाँव में, तो ये सीधे गांव में जाएगा। और गांव का जो ये रास्ता है सबसे अच्छा रास्ता है। यहाँ पर हुई है दाल की खेती, अरहर दाल की खेती, और यहाँ पर सागवान के पेड़। ये रास्ता जो कि आगे एक पुल है, सीधे गांव में जाता है, और गांव से होते हुए दूसरी तरफ। तो हम इसी गांव से निकलते हैं आगे और देखते हैं आगे का जो हमारा सफ़र है कैसा होता है। इधर भी कुछ स्कूल भी है, स्कूल को पार करने के बाद चलेंगे गांव में। और इधर जो है एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, और हम अभी तक 3 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कितना दूरी और है, तो सीधे चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से भी रास्ता दो है, दो रास्ता देख सकते हैं इधर, एक रास्ता इधर जाता है, लेकिन हम चलेंगे इस गांव के रास्ते से। तो चलिए, गांव को पार करके दिखलाते हैं आगे का सफ़र। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो गांव के रास्ते से निकलते हैं, जो
अभी गांव को पार किया हूँ। इस गांव का नाम है सपहा और इस गांव को पार करने के बाद ये गांव का रास्ता है जो कि इस रास्ते से निकलेंगे आगे और गांव के रास्ते से होते हुए फिर मेन रोड पे। तो मेन रोड का जो हमारा सीन है पहले इस गांव के रास्ते को देखिए फिर मेन रोड पर पहुँचेंगे तो उधर का सीन आप लोगों को दिखलाते हैं। तो दोनों रास्ता कैसा है ये आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गांव का रास्ता ये है, देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ खेत ही खेत काफ़ी ज़्यादा और इन खेतों में सबसे ज़्यादा इधर धान की खेती और गन्ने की खेती हुई है लेकिन बारिश की वजह से इधर भी पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये देख सकते हैं चारों तरफ और इन रास्तों पर भी कहीं पे बगीचे हैं जो कि इधर देख लीजिए चारों तरफ सागवान के ही पेड़ है इधर और बड़ा सा इधर जंगल है इधर भी देख सकते हैं। ऐसे रास्ते में फूल मिल ही जाता है देखने के लिए और ये झोपड़ी वाला घर सामने जो कि सबसे ज़्यादातर मिलता है गांव के रास्ते में ऐसा घर देखने के लिए। और चलिए यहाँ से आगे देखते हैं और इसी रास्ते पर एक और गांव है जो कि गांव का नाम है परढ़ा। तो गांव में पहुँचने वाले हैं और गांव को पार करने के बाद फिर आप लोगों को मेन रोड दिखाते हैं। यहाँ पर एक नहर है ये देख सकते हैं और काफ़ी छोटा पुल है ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये गांव का रास्ता सीधे जाता है और धूप अभी काफ़ी तेज़ हो चुकी है तो इन्हीं रास्ते से निकलते हैं। देखिए इधर और भी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इधर भी धूप होने की वजह से और यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ से चारों तरफ पर नज़ारा देख ही सकते हैं आप लोग इधर का सीन जो है। तो आगे गांव में आ चुके हम, गांव का नाम है सपहा खास। तो सीधे चलेंगे गांव को पार करेंगे और गांव को पार करने के बाद से फिर आगे निकलते हैं तो आगे का सीन आप लोग को दिखलाएंगे। तो अभी गांव तो निकल गया पीछे जो गांव, तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे और ये जो रास्ता है गांव का बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर और गांव के रास्ते में सबसे ज़्यादा ऐसा ही होता है। तो यहाँ से आगे चलेंगे फिर एक गांव है, गांव को पार करने के बाद फिर आगे का सफ़र दिखलाते हैं। और इस गांव के रास्ते में ये जो सफ़र है सबसे अच्छा सफ़र होगा, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है आज का दिन। तो इधर गांव के रास्तों से निकलते हैं आगे और अभी दिखलाते हैं इधर का जो सीन है कैसा है और क्योंकि इधर भी चारों तरफ खेत ही खेत है और इन्हीं रास्ते से निकलना है आगे जो आप लोगों को ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखेंगे। रास्ते में एक मंदिर है तो मंदिर के पास से निकलेंगे और इस गांव में इधर दो रास्ता है, एक पूर्व की तरफ एक पश्चिम की तरफ। तो इधर जाना है, वहाँ पे एक मंदिर है देख सकते हैं और गांव का रास्ता ऐसा है तो इसी गांव का रास्ते से निकलना है आगे। तो चलिए आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। तो गांव के रास्ते से पार करते हैं अभी चौराहे पे और चौराहे पर फिर दिखलाते हैं। इधर एक नहर भी है जो कि बड़ी नहर है। चौराहे पर आ चुके हम मेन रोड पर कप्तानगंज के लिए और यहाँ से चलिए मेन रोड आप देख ही सकते हैं। तो मेन रोड से चलेंगे अब रामकोला, यहाँ से इधर 3 किलोमीटर है और इधर है करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी नहीं, करीब 9 किलोमीटर दूरी है और यहाँ से हमको सीधे भी चलना है, उसके अपने 11 किलोमीटर दूरी है यहाँ से और 11 किलोमीटर की दूरी से इस रास्ते से हमको सफ़र करना है जो कि जल्दी से चल सको। रास्ता ठीक है तो जल्दी जल्दी निकलते हैं।
और इन रास्ते को देखते हैं कि यह रास्ता कैसा है, क्योंकि रास्ता तो सबसे अच्छा भी है और इन रास्ते से ज़्यादातर सफ़र करना ठीक ही रहता है। बाकी सब इधर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो आया का सफ़र आप लोगों को दिखलाएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से, सबसे पहले इस रास्ते से निकलेंगे और ये जो रास्ता है सीधा रास्ता कप्तानगंज की तरफ, और हमारा जो ये सफ़र है कप्तानगंज तक है, फिर वहाँ से वापस दूसरे रास्ते से निकलेंगे। सबसे पहले इधर से चलते हैं और इधर का जो सीन है सबसे अच्छा है, और क्योंकि ऐसे रास्ते तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इन रास्ते से चलने के बाद पहुँचेंगे हम सीधे, और सबसे पहले इधर आएगा लक्ष्मीगंज चौराहा, उसके बाद फिर से रास्ते में कई ऐसे मंदिर मिलेंगे देखने के लिए, जो मैं आप लोगों को इस सफ़र में दिखलाऊंगा। जो कि चलिए आगे दिखलाते हैं लक्ष्मीगंज और आगे वहाँ का सीन। इधर है लक्ष्मीगंज चौराहा, जो कि ये मेन रोड के पास में ही है। यहाँ से एक गेट है, जो आप लोग गेट के अंदर जाएंगे तो आप लोग को सबसे पहले इधर गेट दिख रहा है, वहाँ से उस गेट से जब अंदर जाएंगे आप लोग तो उधर मिलेगा सबसे बड़ा लक्ष्मीगंज का चौराहा। तो इस गेट से नहीं चलेंगे, सीधे चलेंगे, और ये सबसे छोटा चौराहा है। इस चौराहे से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा चौराहा मिलता है। ये सबसे बड़ा चौराहा है, और भी जो चौराहा बन रहा है लक्ष्मीगंज का नाम से प्रसिद्ध है। इस रास्ते पर रगड़गंज जाने के लिए भी रोड है, और काफ़ी अच्छा ये छोटा सा चौराहा है, लक्ष्मीगंज में ही आता है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे, जो नहर का रास्ता है ये जो रास्ता सीधे रगड़गंज की ओर जाता है, इस चौराहे का नाम है गोबरही चौराहा, जो आप लोग देख सकते हैं सीधे। ये भी ज़्यादा बड़ा चौराहा नहीं है, छोटा ही चौराहा है, और इन चौराहे से आगे देखते हैं गांव के रास्ते पे। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और यहाँ पर एक मंदिर है, अभी चलिए रास्ते में दिखलाते हैं। तो जो ये मंदिर काफ़ी पुराना है, और अभी देखते हैं, इधर तो एक बहुत बड़ा बगीचा है इस रास्ते पे, इधर देख सकते हैं, और इधर पूरा ये रास्ता, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर यहाँ से थोड़ा ही दूरी पर है। तो इधर देखेंगे कि, और यहाँ पर जो है इस गांव का नाम है करमहा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से मंदिर के पास चलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर यज्ञशाला है और मंदिर भी है यहीं पे, देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ते के किनारे ही मंदिर है। यहाँ से ये जो मंदिर है देख सकते हैं काफ़ी, तो इस मंदिर का वीडियो मैं बनाया हूँ, हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। और अब चलते हैं यहाँ से सीधे, और इन रास्ते पे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो इस रास्ते में अभी तक तो ज़्यादा केवल मंदिर मिला है देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा चौराहा। तो आगे चलते हैं, आगे दिख लेते हैं आप लोगों को क्या मिलता है इन रास्ते पे। अब हम पहुंच चुके हैं साहेबगंज, और यहाँ से कप्तानगंज की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, और ये जो चौराहा है छोटा चौराहा, ज़्यादा बड़ा नहीं, आगे एक नहर भी है। तो इस चौराहे पे आप लोगों को हम दिखलाएंगे नहर, कि नहर कितना दूरी पर है, और फिर आगे चलते हैं किधर से चलना है, ये सब आप लोगों को दिखलाते हैं इसी रास्ते पर। और ये चौराहा यहाँ से चालू हो जाता है, जो कि बहुत से लोग यहाँ पे, अभी दोपहर का समय होने वाला है, करीब 10 बज रहा है, और चलिए आगे चलते हैं। तो हमेशा इधर ज़्यादातर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि चारों तरफ से इधर रास्ता भी है आने जाने के लिए, और लोग यहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं। और यहाँ से चढ़ाई कुछ ज़्यादा है,
तो इधर ही है एक और मंदिर जो आप लोग सामने देख सकते हैं रोड के किनारे, जो कि मंदिर हमेशा बंद रहता है, सुबह का टाइम में सिर्फ खुलता है। वहाँ से मंदिर आप लोग सामने देख ही सकते हैं। और अभी चलते हैं, आगे पुल है, पुल को दिखलाते हैं। ये मंदिर देख सकते हैं वहाँ से, तो इधर पुल है देख सकते हैं। और पानी इसमें बहुत कम है अभी, ये सबसे बड़ा नदी है, इधर भी देख सकते हैं। और इधर खाई भी है, तो इन्हीं रास्ते से अभी सीधे चलते हैं। ये रास्ता और पीछे का रास्ता ये देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि श्री राम जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इन बगीचे पर जो देख सकते हैं मंदिर के काफ़ी अच्छा भी है। और इन रोड पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मंदिर मिलता है देखने के लिए। कप्तानगंज यहाँ से करीब 3 किलोमीटर और दूरी है, और यहाँ से हम सीधे चलेंगे क्योंकि यहाँ से दो रास्ता है, एक मेन रोड है और एक रास्ता है इधर से, जो कि देख सकते हैं ये पतला रास्ता, लेकिन हम इधर से नहीं चलते हैं और इस रास्ते चलेंगे क्योंकि वहाँ पर देख सकते हैं कप्तानगंज 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। और इस रास्ते से निकलेंगे आगे क्योंकि ये रास्ता मेन रोड है, और हमको जाना है रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन तक पहुँचते हैं, वहाँ का सीन आप लोगों को दिखलाएंगे रेलवे स्टेशन का, तो बने रहिए इसमें। और इधर कुछ जंगल भी है देख सकते हैं, और जंगल भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी और आगे जब सीधे चलेंगे तो 4 लेंथ का रोड आएगा, तो उधर देखते हैं। ये 4 लेंथ रोड यहाँ चालू होता है, यहाँ पे एक स्कूल है और इंटर कॉलेज है। ये सीधे चलते हैं इस रास्ते से, और ये पूरा रास्ता है 2 किलोमीटर का, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे सीधे कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पे। चलिए आगे का जो सफ़र होगा आप लोगों को दिखलाते हैं। तो यहाँ से आ गए हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से सीन पूरा रेलवे स्टेशन का है। चलिए रेलवे स्टेशन तक पहुँच के दिखलाते हैं आप लोगों को। तो इधर का जो रेलवे स्टेशन है देख सकते हैं इधर भी, और इधर पुराने पुराने रेलवे स्टेशन के ही पूरा ये सीन है। और ये है थोड़ा जंगल की तरफ, और यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन तक, जो इधर देख सकते हैं। और कप्तान में रेलवे स्टेशन पहुँच गए, और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, यहाँ पर मंदिर भी है। आगे चलिए मंदिर दिखलाते हैं, और यहाँ से कप्तानगंज रेलवे स्टेशन, और सीधे चलने के बाद से वहाँ से पहुँच चुके हम रेलवे स्टेशन तक। तो हम पहुँच चुके कप्तानगंज रेलवे स्टेशन तक, यहीं तक सीना। आगे चलिए आगे देखते हैं।